बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी खैरियत से है। तो सीन्स को चाहते हैं कि आज मैं आया था संडे का दिन है गाँव, और व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं नाइट स्टे कर रहा हूँ गाँव के अंदर। वैसे तो चला जाना था क्योंकि कल मंडे है, स्कूल भी ओपन हो गए हैं तो कल स्कूल भी जाना था, पर आज यहाँ पर बारिश गाँव में, और देख सकते हो हर तरफ पानी पानी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें पानी भरा हर तरफ, घर ही घर है। तो इसलिए फिर ना अभी आज रह गया मैं सिर्फ गाँव में। तो आज उसामा के पास हूँ, तो उसामा के साथ कोई मस्तियाँ करेंगे। उधर अली भी है। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि कुछ चूज़े उसामा के फार्म में से पकड़ने अली लोगों ने, तो फिर अली कह रहा था यार मेरी हेल्प कर देना, मुझसे नहीं अकेले से पकड़े जाने। तो चलो यार उसकी हेल्प करते हैं। ये गट्टू ले आला यार, देखना। तो जी यहाँ पे कुछ चूज़े हैं, उनको गट्टू में डालना है, फार्म पर छोड़ना है और वहाँ से कुछ लेने हैं। ये तो यार कुछ नहीं लेने यार, जो लेने हैं वो डाल लिया। धक्का मार यार, जान नहीं है तेरे में, धक्का मार। शाबाश, तो पकड़े इनको। ये देख लाइट लगी है, बैठे। ये एक, ये अली डाल लो यार, डाल लो भाई। मुझसे तो नहीं पकड़ी जाती, सीधी सी बात है, डरता नहीं हूँ, मेरे हाथ ही नहीं आती, आदत नहीं है ना ऐसे काम की। नहीं आते तो पकड़ लूंगा, कोई मसला नहीं आता। तो यार ये बैठे, रुक जा, पकड़ता हूँ एक मैं भी ना। ये बेचारी आराम से यहाँ पे आराम कर रही थी, वो आज आके मुझे स्लिप कर दिया। चलो सारे हो गए, चल शाबाश। मैं वीडियो बनानी है, तुझे पता है। चल भाई, मैंने वीडियो बनाया, मैं तेरी उधर मदद करावांगा ना। आजा, 6 किलो वजन मैंने चुकाता, तेरे को पता मैं कभी चखे ही नहीं 6 किलो वजन। 6 किलो तेरी ऐसी चीज चाची, तू चखे नहीं 6 किलो। तू बेटे आ, इससे काम कराएंगे हम, है काम चोर नहीं मरते। मैं भी लेके आया थी, चक फट चक के रख। लाइट नहीं है इधर, लाइट नहीं जलेगी। लाइटों का ऑप्शन कौन सा है? दबा दबा के जो साथ लगता है, कभी कुछ और। तो ब्रेकर है यार, एक छोटी दे आप, चोरी का माल निकालते। को इतनी ये ब्रिक जाली, स्टिक खोल ही नहीं सकती, मैं मानता ही नहीं ये जो अंदर लग। और नहीं कर ऐसे बंदा बन यार, यार ये माल मर जाएगा यार। तो वो हो जाएगा, दोबारा छोड़ देते हैं वापस, तो वो वापस कर देंगे यार। वो अभी दरवाजा तोड़ने का लगा, ये मर जाएंगे मानना बात ठीक है, पर इसको वापस छोड़ाते हैं। चलो उठाते हैं, आजा यार, कुछ स्टिक तो अच्छी ले गया ना। ये देखो इधर से चकने दे, तो बेटे इधर से निकाल लेगा तब भी इतनी स्मेल है। यार चंगा बंदा यार, चल वापसी। पता है मैंने वीडियो बनानी है, फिर तू घर रहे ना यार। ये भारी है, ये कोई 6 किलो के करीब है। चल आ जाए, 6 किलो 300 ग्राम है बेटा। ये चल यार, ठीक नहीं है। चलो गाइस, जहाँ जिस रूम से उधर पकने थे ना, मुझे छोड़ देंगे, दरवाजा खुला नहीं, चोरों वाली फीलिंग आ रही थी। अभी सामा मेरे का घर में होगा वो। चलो छोड़ यार, उसको उल्टा कर दे, आराम से करें। ड्रामे बाद है, पूरा पूरा ड्रामे बाद है यार। ये ना ना है हुआ है, तो मैंने ऐसे पकड़ कर देनी थी यार। ये देखो फसलों में कैसे पानी है। तो मुझे अली क्या कहता है, कहता है कैमरा ऑन करो। मैंने कहा क्यों यार, अभी तो कोई टेक नहीं लेना। तो कहता है उसामा भाई को ना कुत्ता है, वो फिर आता है अटैक करने के लिए ना, कोई ऐसे गुजरे तो। कहता क्या पता तेरा कोई सीन ही बन जाए। यार समझदार बच्चा है यार, समझदार है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चाय पी रहे हो या काफी पी रहे हो? यार मक्खियां आ रही हैं। आने दो मक्खियों को, गिरा लो खा दे। चलो यार आप यहाँ से उठो, अब मुझे लाइव आने दो। आज यार लाइव आने का दिल कर रहा है यार। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे मतलब अपना काम पूरा किया, सामान ने सिर्फ बातें मारी है बैठे, सिर्फ और सिर्फ बातें। नेक्स्ट जो मेरी रोस्टिंग आएगी उसमें ये भी होगा, ठीक है? इसको मैंने रोस्ट करना है, इसे रोस्ट होना ही नहीं। मैं गाइस ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मेरी अभी से रोस्टिंग कर रहा है बगैर अपनी वीडियो, मेरे व्लॉग में भी रोस्टिंग कर रहा है ये। गाइस अब बारिश आएगी, वहाँ सामने कैमरे लगा, बताइए
फिर अब बादल हो रहे हैं, फिर बारिश आएगी, तो बारिश आती है तो पानी आएगा तो हम झोपड़े चल दूसरी चार पाई निकाली, मेरी चार पाई तो आ गई, थैंक यू, मैं बिस्तर लेके आने दो यार, चलो यार इसको बिछाते हैं, बड़ी बातें मार ली, अरे हम तो लगे जी सोने। तो आए थे देखो ये कैमरे, ये मेरी चार पाई है, मैं हाथ लूँ हाथ दी तो आएगा मेरा, हाँ मेरा हाथ जूम इन कर, हाँ ये देखो मेरा हाथ आ रहा है, लोग लेटे ही थे 10-15 मिनट हुए हैं और बारिश शुरू हो गई, हमने कहा इससे पहले तेज़ हो हम अपने बिछे वगैरह अंदर कर लें, चलो भी चलो भी चलो भी चल भी चल भी चल भी चल भी चल भी, मुर्गी सोई पड़ी है माशाल्लाह। हम ये कहते हैं ना मुर्गी को टाइम ठीक आ गए, ये था कि रात को बारिश शुरू हो गई तो क्या करेंगे इतनी जल्दी, अभी बारिश शुरू हो गई। ये भाई हमारे चार पहिया सेट करेंगे यहाँ पे, ये देखो बाहर तो बारिश हो गया तेज़, अब हमें अंदर रूम में सोना पड़ेगा, मेरे भाई को तो आ रही नहीं है, तू सो जा और मैं भी सोता हूँ यार, ठीक है अल्लाह हाफिज़। जी हाँ जी, तो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे, तो अभी उठ गया हूँ मैं और मैंने नाश्ता कर लिया है, तो चलो अब चलते हैं, उधर अली मेरा वेट कर रहा है वहाँ पे ना, किक्कर का दरख्त, रात को क्योंकि बारिश आई थी आपको मैंने दिखाया था, तो वहाँ ना किक्कर का दरख्त है वो गया गिर, तो हमने आइडिया किया कि अली कुल्हाड़ी लेने गया है तो उसको किक्कर के दरख्त को काटेंगे, तो मैंने कहा चलो एडवेंचर होगा, साथ में आपको भी दिखाते हैं, मैं वैसे नहर पर था उधर जाने लगे, फिर मैं रुक जाऊँ आप अपने घर से वो कुल्हाड़ी उठा लाओ, मैं जो सामा के घर से अपना मोबाइल लिया था चार्जिंग पर लगा हुआ था, तो चलो यार चलते हैं। और एक और बात यार, अभी रात को मैंने वीडियो अपलोड की थी लास्ट टाइम, ठीक है सामा का नेट बड़ा गंदा चलता है पर रात को फिर भी स्पीड दे देता है क्योंकि काफ़ी मोबाइल बंद होते हैं, तो रात को वीडियो अपलोड करी थी, सुबह उठ के मैंने देखा तो वीडियो अपलोड थी पर थी प्राइवेट, मैं ये देखना भूल गया कि उसके ऊपर आया कॉपीराइट क्लेम, ठीक है साउंड की वजह से, और मैंने गलती से ना सीधा नींदों में उसको पब्लिश कर दिया, मैंने कहा चलो पब्लिश तो करें काम ख़त्म, बट जैसे ही पब्लिश किया एक दो सेकंड बाद मेरी नीचे नज़र डाली वीडियो के नीचे लिखा हुआ था कॉपीराइट क्लेम, जल्दी जल्दी भाई उसको प्राइवेट किया, अब क्या अब उसको दोबारा रीएडिट करूँगा, साउंड को ख़त्म करके दूसरा लगाऊंगा फिर जाके काम होगा। आ जा भाई ने कुल्हाड़ी ले आया देखें, चल भाई दरवाज़ा खुल गया जी, स्कूल बड़ा हो जाओ बड़ा हो जाओ शाल मेरा पुत्र पर सही है ना, बार बार मेरी जान बार शाबाश, ये जी एक पकड़ लिया इसने माशाल्लाह। तो गाइस सामा कहता है एक बार रुक, जो जो व्यापारी हैं इनको पहले दे देते हैं फिर आप लोगों को दे देंगे आप लोग घर के, चलो फिर हम चलते हैं नहर पे लकड़ियाँ काटते हैं, ये ले वो सामने वो किक्कर गिरी है ना, वो नीचे बंदे भी खड़े हैं देखो, वो एक ऊपर वो चढ़ा हुआ यहाँ पे, क्योंकि वो मेरे क्या गार्ड वगैरह के बंदे हैं तो हमारी दाल नहीं गलनी, तो हमने कहा चलो दूसरी सड़क से आए थे यहाँ पे और अब इस सड़क से घर को जा रहे हैं। जी हाँ जी, तो गाइस जो सामा के व्यापारी वगैरह थे मेरे वो चले गए, सामा के भी कहा लिया कहता आके आप लोग ले जाओ जो आपने चूज़े वगैरह लेने हैं, तो चलो फिर चलते हैं, अली जा रहा सामने चलो इसको लेके जाते हैं घर में, घर जाके तो ये हो गया जी, अभी सामा का देते हैं गट्टू भाई, बड़े भारी थे अल्लाह की कसम यार, मुझे पता जैसे मैं उठा के लेके आया हूँ भाई, अभी कैसे इनको ख्याल है कि पिछले मैं 1.5 घंटे से सामा के रूम में बैठा हूँ क्योंकि मैं कर रहा था अपनी वीडियो अपलोडिंग, तो नेट को आपको पता ही है कि सामा का थोड़ा बहुत स्लो चलता है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट स्टेप रह गया, सिर्फ प्रोसेसिंग हो जाए इसकी बस, फिर अपनी वीडियो हम कर देंगे पब्लिश और फिर अभी जाना है बैंक, कोई पैसे वगैरह सामा वगैरह जमा करवाने, मैं तो उसको कह रहा था यार तू चला जा, मैं क्या करूँगा मेरे से लात नहीं है सामा के, मैंने कपड़े पहने हमारा, तो वो कहता चल यार अकेला नहीं मैं जा सकता, तो चलो फिर उसके साथ चलते हैं, बस ये लास्ट स्टेप रह गया ये हो जाए फिर वीडियो को अपनी पब्लिश करते हैं और फिर चलते हैं। हाँ जी गाइस, जो मैंने आपको बैंक का काम कहा था तो वो जा रहे हैं, पैसे मेरे पास हैं सामा के अंदर बाल वगैरह बनाने हैं और ये इस काम को करते हैं ख़त्म। नहीं नहीं सर जी रख संजी कर, जान से भाई अभी टाउन पहुंच गए हैं, बस अभी सिर्फ अपने काम की तरफ जा रहे हैं और वो काम करने के बाद फिर आपको मिलते हैं। हाँ जी, तो गाइस अभी अपना काम हो चुका है, हो गया काम टेंशन खत्म, आप जी चलते हैं कुछ खाने और फिर चलते हैं, आता है अपने बैठ जाओ यार, चलो यार ये खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।
हमारा भाई सो गया था एडिटिंग करते करते लिया। कैसा लगा मेरा? नहीं, नहीं एडिटिंग। बाद में ये चलाया साउंड, मैं थोड़ा था।